तो हेलो फ्रेंड्स, ये है मारुति सुजुकी की अर्टिगा और ये आप देख रहे हैं अभी एक्साई मॉडल जो कि सीएनजी और पेट्रोल में आती है। और ये हमारे सामने खड़ी है, फ्रंट का ये लुक है इसका। बीच में आप एक बड़ा सा ग्रिल मिल जाता है आपको क्रोम फिनिश में, और सुजुकी की बैजिंग यहाँ पे मिलती है। साइड में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं जो कि हाइलोजन सेटअप में है, और यहाँ पे इंडिकेटर आपको मिल जाता है जो कि नॉर्मल हाइलोजन है। उसके नीचे आपको फॉग लाइट्स मिल जाती हैं दोनों साइड, और ये बड़ी सी स्किड प्लेट है। तो सामने से कुछ इसका फ्रंट का लेआउट कुछ इस तरीके से है। बोनट पे आपको शार्प एजेस मिलते हैं देखने को कुछ इस तरीके से, काफ़ी अच्छी कंडीशन में है ये कार। और साइड प्रोफाइल की बात करें तो कुछ इस तरीके से दिखती है। इसके चारों टायर्स जो आते हैं वो 15 इंच के हैं, और यहाँ पे आपको ORBM मिलता है एक बड़ा सा बॉडी कलर में। इसमें आपका इंडिकेटर भी इंटीग्रेट है, और ये इसका डोर हैंडल्स जो कि क्रोम फिनिश में मिलता है। दरवाजे पे आपको क्लैडिंग मिल जाती है क्रोम फिनिश के साथ। कुछ साइड का लुक कुछ इस तरीके से दिखता है। आइए रियर प्रोफाइल चेक करते हैं। रियर से कार का प्रोफाइल कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे आपको टेल लाइट्स लंबी सी मिलती है जो कि अच्छी लगती है, और बीच में आपको सुजुकी की बैजिंग, और नीचे की तरफ आपको चार सेंसर्स मिल जाते हैं, और बैक कैमरा भी अवेलेबल है। नीचे की तरफ आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसका रियर प्रोफाइल है। स्पॉइलर पे आपको एक टेल लाइट्स मिलती है। पीछे आपको किसी भी तरीके का वाइपर नहीं मिल रहा है, और ये सीएनजी में भी अवेलेबल है। तो आइए अब इंटीरियर इसका चेक करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इंटीरियर का इसका ड्राइवर साइड डोर है। कुछ इस तरीके से इसका इंटीरियर दिखता है, ब्लैक एंड बेज कलर में मिलती है ये कार आपको। तो चलिए शुरू करते हैं इंटीरियर किसका। तो ये ड्राइवर साइड डोर है, और आप देख रहे हैं काफ़ी ओपन होता है। यहाँ पे आपको कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं, विंडो कंट्रोल्स हैं ये। इसके ORBM का लॉक अनलॉक का है, और यहाँ से आप अपने ORBM को एडजस्ट कर सकते हैं। इसका नॉब्स जो है आपको क्रोम फिनिश में मिलता है जो कि काफ़ी प्यारा है। नीचे की तरफ आपका स्पीकर प्लेसमेंट है। यहाँ पे दो बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं आपको, और इसमें चार स्पीकर आपको मिलता है, ट्विटर नहीं मिलता। ये हाइट एडजस्टेबल है, इससे आप अपनी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, सीट अपनी एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आपको अंदर से दिखाता हूँ एक बार। तो इसका इंटीरियर कुछ इस तरीके से दिखता है। ये इसके डैशबोर्ड का लेआउट आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी एयरी अंदर से कार आपको लगती है। ये ब्लैक एंड बेज कलर में आती है। तो शुरू करते हैं इसके स्टेयरिंग से। इसमें आपको डी कट स्टेयरिंग मिल जाती है, और यहाँ पे एक लेदर रैप्ड करवाया हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बीच में आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड आपको कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं मीडिया के, और ये हॉर्न का प्लेसमेंट सुजुकी के बैजिंग के साथ। और ये है इसका सेंट्रल कंसोल। तो सबसे पहले इसके एसी वेंट का आप देखिए डिज़ाइन, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है। और यहाँ पे आपको एक इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो कि नॉर्मल है, यहाँ पे कोई टच स्क्रीन वगैरह नहीं मिलती है। ये आपका हैजार्ड लाइट का स्विच,
नीचे आपको एसी के कंट्रोल्स, यहाँ से आप अपने फ्लो को एडजस्ट कर सकते हैं। और ये टेम्परेचर का है, उसके नीचे जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको दो USB सॉकेट मिल जाते हैं चार्जिंग पोर्ट के लिए। और ये इस तरीके से कुछ इसका, यहाँ पे आपको दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं और कूलिंग के साथ। ये 5-speed गियर बॉक्स के साथ आती है कार। ये इसका हैंड ब्रेक, और बीच में आपको कोई आर्मरेस्ट नहीं मिलता। यहाँ पे आपको एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाती है। इसकी MID में आप देख सकते हैं एनालॉग है, जो कि एक तरफ आपको RPM का मीटर मिलता है, दूसरी तरफ आपको स्पीडोमीटर, बीच में आपको MID मिलती है जो कि कुछ इस तरीके से शो हो रही है। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन आती हैं, जैसे कि ये CNG पे है या पेट्रोल पे है, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती हैं। ये इसका IRVM है जो कि मैनुअल है, इस तरीके से आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर के साइड आपको लैंप मिल जाता है, और यहाँ पे माइक का प्लेसमेंट जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये आपका टिकट होल्डर मिल जाता है, जिसमें कि आपको मिरर नहीं मिलता देखने को। और ये को पैसेंजर साइड आपको मिरर भी मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से इसका फ्रंट का लेआउट है, आप देख सकते हैं। और ये इसका ग्लव बॉक्स है जो कि कूल्ड नहीं है बट काफ़ी डीप है, यहाँ पे अपने आप सामान वगैरह रख सकते हैं काफ़ी आराम से। तो इसका एसी का जो वेंट है उसका प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी तरीके से किया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और इधर भी एक है, टोटल आपको 4 वेंट्स मिलते हैं आगे की तरफ, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। बात करें इसके कम्फर्ट की, तो इसकी सीट्स काफ़ी कम्फर्टेबल है, अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी स्पेसियस है ये कार। जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, लॉन्ग रूट्स के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और इस तरीके से दिखती है इसकी सीट्स, काफ़ी चौड़ी भी है, और एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाता है जो कि काफ़ी कंफर्टेबल बना देता है आपके लॉन्ग जर्नी को। इस तरीके से इसका डैशबोर्ड दिखता है, आप देख सकते हैं काफ़ी बैज कलर में है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे आपको कोई भी सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं मिलता देखने को। तो ये रहा इसका आगे का इंटीरियर, चलिए आपको मैं पीछे से दिखाता हूँ। तो रियर डोर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको एक स्विच मिल जाती है विंडो के कंट्रोल्स की, यहाँ पे आपको डोर नॉब्स मिलता है क्रोम फिनिश के साथ, और नीचे की तरफ स्पीकर का प्लेसमेंट, यहाँ पे दो बॉटल होल्डर मिल जाता है आपको। इसका ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा है जो कि काफ़ी रूमी लगती है कार अंदर से। चलिए आपको इंटीरियर इसका दिखाते हैं पीछे से। तो पीछे से कार कुछ इस तरीके से दिख रही है, और ये इसका आगे का लेआउट जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। और एसी के वेंट्स के यहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है जो कि अच्छी चीज़ है, जो कि डायरेक्ट आपको फ्लो मिल जाता है यहाँ से। यहाँ से आप नॉब मिलता है, आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये यहाँ पे आपको एक नॉब्स मिलता है ग्रैब होल्डर। इसका टोटल इंटीरियर बैज कलर होने के नाते आपको काफ़ी एयरी फील होता है, ग्लास एरिया भी काफ़ी बड़ा है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी हाइट 5.8 है, और उसके बावजूद मैंने अगली सीट काफ़ी पीछे कर रखी है, उसके बावजूद मुझे इतना लेग स्पेस मिलता है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और ये कार आपको 7-सीटर में आती है, तो ये इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, यहाँ पे किसी भी तरीके का आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट भी मिलता है। अगर आप यहाँ पे 2 लोग बैठते हैं तो आपको बीच में एक हेडरेस्ट भी मिलेगा, अगर 3 लोग हैं तो आपको हेडरेस्ट नहीं मिलता है। तो आइए इसका सबसे पीछे वाला सीट चेक करते हैं। यहाँ से कुछ इस तरीके से आप एंटर कर सकते हैं पीछे की तरफ, आप देख सकते हैं पीछे भी काफ़ी आपको स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, और एक बड़ा सा ग्लास होल्डर मिलता है आपको। तो पीछे से कार कुछ इस तरीके से दिखता है, यहाँ पे एक आपको बड़ा सा ग्लास एरिया मिलता है जो कि काफ़ी एयरी फील होता है बैठने के बाद।
तो आप देख सकते हैं एसी का वेंट यहाँ पे दिया गया है जो कि सीधे फ्लो मेरे पास आ रहा है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे एक आपको फॉग लाइट्स मिल जाती है, लैंप, ये इसके फ्यूल का है, यहाँ पे आपको पेट्रोल का मिल जाता है ऑप्शन, और ये सीएनजी का ऑप्शन है जैसा कि आप देख सकते हैं। ये 16 लीटर की इसमें सीएनजी का वो आता है, टैंक आता है, और ये पेट्रोल का है 48 लीटर का। सीएनजी में लगभग इसमें 8 से 9 किलो गैस आती है जो कि पर्याप्त है आपके कहीं भी लॉन्ग रूट पर जाने के लिए, तो कुछ इस तरीके से है। ये चीज़ बहुत ही अच्छी चीज़ है सेफ्टी के पर्पज़ से। आइए इसका बूट स्पेस चेक करते हैं। पीछे सीएनजी का सिलेंडर होने के नाते आपको बूट स्पेस थोड़ा कम मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से प्लेस है पीछे की तरफ, ये आपको काफ़ी बूट स्पेस मिल रहा है उसके बावजूद भी। और ये 7 सीटर कार है जिसके हिसाब से आपको काफ़ी अच्छी फैसिलिटी भी मिल जाती है। ये कार काफ़ी कंडीशन में है और आपको इसको लेने के लिए ठाकुर कार बाज़ार जौनपुर में संपर्क कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर दे दूंगा, वहाँ से आप इस कार के लिए संपर्क कर सकते हैं अगर आपको ये कार चाहिए तो। तो ये हो गई मारुति सुजुकी अर्टिगा के बारे में बात। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। आगे और भी वीडियो हम ऐसे ही लाते रहेंगे। धन्यवाद।